नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कैसे रहे आपके मिड टर्म एग्जाम? बहुत अच्छे से किया आप सबने। आज हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है हमारा पार्ट 5, बबुआ और बूढ़ा। इस बार आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम अपना वर्क कंप्लीट करते हुए साथ साथ में लर्निंग भी करना है, क्योंकि पिछली बार बहुत से बच्चों ने क्या किया था, एंड मोमेंट पे अपना वर्क कंप्लीट किया था, उसको लर्न किया था, जो कि सही नहीं था ना। तो इस बार हम क्या करेंगे, साथ साथ में लिखने का काम भी करेंगे और याद भी करते जाएंगे, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तभी हमें आधी बात याद हो जाती है। मानोगे ना मेरी बात को? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा पार्ट 5 है बबुआ और बूढ़ा, जिसके अंदर हमें एक चित्र दिखाया गया है जिसमें कि एक बच्चा है जिसको दादाजी क्या बुलाते हैं, बबुआ, ठीक है। और पास में एक पिक्चर दे रखी है, वो कौन है, वो है दादाजी, ठीक है, क्योंकि दादाजी की एज हो जाती है तो वो बूढ़े से दिखाई देते हैं ना। हमारे घर में भी दादाजी होंगे, दादी होंगी। पता है क्या होता है, जब बूढ़े हो जाता है, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी आदतें और उसका बात करने का तरीका, उसके भाव, मतलब कि जो फील करते हैं, वो सब किसकी तरह हो जाते हैं, एक बच्चे की तरह हो जाते हैं। जैसे बच्चों में होता है ना छोटी छोटी बात पे रूठना मनाना, ये सब बूढ़ों में भी हो जाता है। और क्या होता है, कुछ और भी सिमिलरिटीज होती हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कि कैसे बूढ़ों की आदतें भी, हमारे दादा दादी की आदतें भी हमारे जैसे हो जाती है। उनको भी बहुत अच्छा लगता है सबके साथ खेलना, बच्चों के साथ खेलना, बात करना, और उनको भी ये लगता है कि हमें हर जना, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे उनके खुद के बच्चे, चाहे पोता पोती हो गए और उनके बेटे हो गए, बेटियां हो गई, सब उनको टाइम दें, क्योंकि एक अकेलापन सा महसूस होता है उनको। जब हम उन्हें टाइम देते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको लगता है कि उनका अपना उनके पास है। लेकिन आज की जो व्यस्तता बड़ी जिंदगी है ना, उसमें हम क्या करते हैं, अपने से बड़ों को टाइम नहीं दे पाते। और यही फीलिंग बच्चों के अंदर भी आती है कि मम्मी पापा इतने बिजी हैं काम के अंदर, या जब उनको टाइम मिल रहा है तो वो टीवी में और मोबाइल में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और हमें टाइम नहीं दे रहे हैं ना। लगता है ना आप सबको भी कभी कभी भी ऐसा लग जाता होगा कि आपको टाइम नहीं मिल रहा, मम्मी आपको टाइम नहीं दे रही है, पापा आपको टाइम नहीं दे रहे। उसी तरह हमारे दादा दादी को भी लगता है कि उनको कोई टाइम नहीं दे रहा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनके साथ खेलना चाहिए और उनके साथ अपना समय व्यतीत करना चाहिए, ताकि उनको अच्छा लगे और जो उनका कुछ पल का जो जीवन है वो बहुत अच्छे से बीते, शांति से बीते। चलो आगे का चैप्टर देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। आगे के चैप्टर में हमें बता रखा है कि यहाँ पर देखो बच्चे और बूढ़े लगभग एक जैसे होते हैं, है ना, एक जैसे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया उनके लिए समय निकालना, उनसे बातें करना बहुत जरूरी होता है, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। जैसे हमें लगता है कि हमें सब टाइम दें, वैसे उनको भी लगता है कि उनको भी टाइम मिलना चाहिए। तो क्या सिमिलरिटी है कि दोनों एक जैसे होते हैं, चाहे बच्चे हैं चाहे बूढ़े हैं, उनको सबको ये लगता है कि हमें टाइम मिलना चाहिए, हमारे साथ कोई खेले, हमसे बात करे। क्या आप अपने दादाजी से बात करते हैं, वे आपसे क्या बात करते हैं, बताइए। अब आप अपने मन में सोचो कि क्या अपना खेल छोड़ के आप दादाजी के पास जाते हो, उनसे बात करते हो, नहीं करते ना। तो आप सबको क्या करना चाहिए, अपने दादा दादी को टाइम देना चाहिए। जैसे आपको लगता है ना कि मम्मी पापा आपसे बात नहीं कर रहे, अपने कामों में लगे हुए हैं या फिर मोबाइल और टीवी में बिजी है, वैसे उनको भी तो लगता है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, दादा दादी के साथ खेलना चाहिए, टाइम व्यतीत करना चाहिए, ताकि उनको भी अच्छा लगे जैसे आपको अच्छा लगता है। अब हम आगे देखेंगे कि आगे के चैप्टर में हमें इस कविता में क्या बताया गया है। अब देखो पहले मैं आपको क्या करवा देती हूँ, इसके शब्दार्थ करवा देती हूँ, ताकि आपको आसानी हो कि आप इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ सको। देखो यहाँ दे रखा है सबसे पहले बबुआ। बबुए का मतलब, बबुआ का मतलब क्या होता है, बच्चा। अक्सर प्राय यानी कि ज्यादातर जो काम होता है उसको बोलते हैं अक्सर। रुआटा, रुआटा यानी कि रोने वाला, जो छोटी छोटी बातों पे बच्चे ऐसे ही करते हैं ना कि जरा सी कोई बात हुई तो रोने लगते हैं और बहुत जल्दी से मान भी जाते हैं और खुश होते हैं। बात उठाना यानी कि अपनी बात को विस्तार से बताना कि हम क्या चाहते हैं, एकदम खुल के अपनी बात को पूरी तरह से बताना कि क्या बात है। बच्चे ऐसे ही करते हैं, जब उनसे बात पूछो तो एक लंबी चौड़ी स्टोरी बता देते हैं कि ऐसे हुआ था, उसने यूं कहा, वो कहा। आप भी तो ऐसे करते हो, जरा सी कुछ लगती है तो पूरी कहानी बताते हो कि आपको वो चोट कैसे लगी, या कोई बात होती है तो आप पूरी कहानी अच्छे से बताते हो। रुलाई यानी कि रोना,
बड़के, बड़के किसको बोलते हैं? बड़े को बोलते हैं, जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं बड़के। जैसे हमारे मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए, है ना, उनको बोलते हैं बड़के। दादा दादी भी बड़के ही होते हैं ना। ध्यान ना देना यानी कि देखभाल नहीं करना। जब सब लोग अपने कामों में बिजी हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते, यानी कि देखभाल नहीं करना। शुद्धि लेना यानी कि ध्यान रखना। जब हम कहते हैं ना कि हमने तो उसकी शुद्धि नहीं ली, यानी कि हमने ध्यान ही नहीं दिया। और शुद्धि लेना यानी कि ध्यान रखना। हाथ फिराना, सिर पर हाथ फिराकर आशीष देना यानी कि आशीर्वाद देना। जब हम दादा दादी के पैर छूते हैं या किसी और बड़े जने के पैर छूते हैं तो वो क्या करते हैं? हमारे सिर पे हाथ फिराते हैं ना, यानी कि वो क्या कर रहे हैं? हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चे हैं जिनको आदत है अपने से बड़ों के पैर छूने की? बहुत कम बच्चों की ऐसी आदत होती है। तो आपको क्या करना चाहिए? अपने से बड़ों से आप जब भी मिलते हो तो क्या करना चाहिए? उनके पैर छूने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो आपको आशीर्वाद देंगे उससे आपका जो आने वाला जीवन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। चलो चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब बबुआ बोला अक्सर मेरा चम्मच मुझसे गिर जाता है। तो बबुआ कौन है यहाँ पे? बच्चा है ना। तो बच्चा क्या कहता है? अपने दादाजी से बात करते हुए कहता है कि अक्सर यानी कि प्राय यानी कि ज्यादातर क्या होता है, मेरा जो चम्मच है ना वो मुझसे गिर जाता है। बूढ़ा बोला जाने भी दो, मुझसे भी यह हो जाता है। तो यहाँ पे जो बूढ़े दादाजी है ना वो क्या कहते हैं कि क्या छोटी छोटी बात को ऐसे बोल रहे हो कि मेरा चम्मच गिर जाता है और मुझसे ये हो जाता है क्योंकि मैं बच्चा हूँ। तो दादाजी बोलते हैं कि जाने भी दो, मेरे से भी ऐसा हो जाता है, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरे से भी ऐसे काम हो जाते हैं। तो क्या बताया इस पैराग्राफ में कि जो छोटा बच्चा है वो अपने दादाजी से कहता है कि ज्यादातर क्या होता है, मेरे से मेरा चम्मच ही गिर जाता है। तो दादाजी उसकी बात को थोड़ा सा नजरअंदाज करते हुए कहते हैं ताकि उसको अच्छा लगे। ये बोलते हैं कि जाने भी दो, क्या होता है, मेरे से भी ये वाला काम कई बार हो जाता है कि मेरे हाथ से भी चम्मच गिर जाता है। बबुआ बोला कभी कभी कर देता हूँ निक्कर गीली। वो जो छोटा बच्चा है ना वो क्या कहता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं बहुत देर तक अपने टॉयलेट को रोक के रखता हूँ, या फिर ऐसा होता है कि कोई जगह ऐसी होती है कि जहां मैं नहीं जा सकता तो कभी कभी मेरी निक्कर भी गीली हो जाती है ना। और दादाजी क्या बोलते हैं कि कभी कभी मुझसे भी ऐसा हो जाता है जब मेरी धोती ढीली होती है। तो है ना, जब उनको ऐसा होता है जब करनी पड़ती धोती ढीली, कि जब उनको भी अपनी धोती को ढीली करनी होती है तो उनसे भी कई बार ऐसा हो जाता है। अगले पैराग्राफ में बताया है बड़ा रुआटा बच्चा हूं मैं। अब बबुआ ने बात उठाई, बूढ़ा बोला मैं भी आती मुझको बहुत रुलाई। अब यहाँ पे छोटा बच्चा क्या बता रहा है कि मैं कैसा हूँ? रोंदू बच्चा हूँ, रुआटा बच्चा हूँ, मुझे छोटी छोटी सी बात पे बहुत रोना आ जाता है। जरा से डांट पड़ी नहीं आंखों पे आंसू आ गए, या मेरे से कोई चीज गिर गई टूट गई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, या छोटी सी डांट पड़ गई मुझे तो मुझे रोना आ गया। तो मैं कैसा बच्चा हूँ? रुआटा यानी कि रोंदू सा बच्चा, रोता हुआ सा बच्चा हूँ। और जो बबुआ है वो एक और बात ऐसे जैसे बोला कि मुझे बहुत रोना आता है, वैसे दादाजी बोलते हैं कि मैं भी दादाजी बोलते हैं कि मैं भी ऐसा हूँ, मुझे भी बहुत रोना आता है जरा सी कोई बात हो जाए, या मेरा बेटा मुझसे तेज आवाज में बात कर ले, या कुछ ऐसी मुझसे गलती हो जाए तो मुझे भी रुलाई आ जाती है, यानी कि मुझे भी रोना आ जाता है। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया? ये बताया कि बच्चे और बड़े जो बूढ़े होते हैं वो दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों को रुलाई यानी कि रोना बहुत जल्दी आ जाता है। बबुआ बोला बहुत बुरा हूँ, बड़के हम पर ध्यान न देते। बबुआ बोला बहुत बुरा है, बड़के हम पर ध्यान न देते, कोई सब अपने कामों में नहीं हमारी कुछ सुधी लेते। इस पैराग्राफ में बच्चा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो बड़के हैं बड़े हैं वो हम पे ध्यान नहीं देते हैं, क्या करते हैं, सब अपने अपने कामों में खोए रहते हैं, नहीं हमारी कुछ सुधी लेते, और कोई भी हमारा ध्यान नहीं देता, हमारी देखभाल नहीं करता, क्योंकि सबके पास बहुत सारे काम होते हैं तो सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं और हमारा कोई भी ध्यान नहीं रखता है। क्या कह रहा है इस पैराग्राफ में? बच्चा बोलता है बहुत बुरा है। वो कहते हैं, बच्चा बोलता है कि बहुत बुरा है, जो बड़े लोग हैं ना हमसे जो बड़े हैं वो क्या करते हैं, हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, सब अपने अपने कामों में इतने बिजी होते हैं तो उनकी उनको हमारे ध्यान रखने की सुद्धि ही नहीं होती, ध्यान ही नहीं होता कि हमारी देखभाल भी करनी है। लास्ट पैराग्राफ में देखो बताया है बूढ़े ने बूढ़े हाथों से हाथ फिराया फिर बबुआ पर। समझ रहा हूं बात तुम्हारी,
मुझे पता है तुम जो कहते। अब यहाँ पे क्या कह रहा है बूढ़े जो दादाजी है वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी और मेरी भावनाएं दोनों की क्या है एक जैसी है। जैसे तुम्हें लगता है कि जो बड़े हैं वो तुम्हारा ध्यान नहीं रख रहे, तुम्हारी सुद्धि नहीं लेते, तुम्हारी देखभाल नहीं करते, तो उनके अंदर भी ऐसी फीलिंग्स आती है दादा दादी के अंदर भी, लेकिन वो बच्चे के सामने ये सब बातें नहीं कह रहे। वो क्या कह रहे हैं कि मुझे समझ में आ रही है तुम्हारी बातें, जो तुम कहना चाहती हो ना कि तुम्हारा ध्यान नहीं रखा जा रहा, तुमसे बात नहीं करते, तुम्हें टाइम नहीं देते, वो सारी फीलिंग उनके अंदर भी आती है। उनको भी ये लगता है कि अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, सब अपने अपने कामों में इतने बिजी रहते हैं कि किसी के पास 2 मिनट का टाइम भी नहीं होता कि अपने माँ बाप के पास आकर के बैठे, लेकिन वो फीलिंग वो अपने अंदर छुपा के रखते हैं, वो कहते ही नहीं है अपने बच्चों को क्योंकि उनको पता है कि वो सब कामों में। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें उनका मन लगाने के लिए उनके साथ खेलना भी चाहिए, उनके साथ समय भी बिताना चाहिए ना, ताकि उनको अच्छा लगे। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या कर रहे हैं दादाजी, दादाजी अपने बूढ़े हाथों से उस बबुआ के उस बच्चे के सिर पर हाथ फिराकर उसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि वो उसको संतावना देते हैं, उसको मतलब अच्छा फील करवाने के लिए कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, तुम जो सब कह रहे हो वो मुझे सब समझ में आ रहा है। तो उसको हाथ फिराते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम खुश रहो, है ना। तो क्या समझा आपने इस कविता से कि जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। उनको दोनों को क्या लगता है कि बाकी जो बड़े जने हैं हमारी देखभाल करें, हमारे साथ समय को बिताएं। ये हो गया बच्चों हमारा आज का पार्ट 5 जो की कविता थी, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। अब आप सबको क्या करना है, इस कविता को वापिस पढ़ना है और वापिस पढ़ते हुए इस कविता में जो भी पंक्तियां आपको समझ में नहीं आ रही है आप क्या करोगे, उन पंक्तियों को वापिस से पढ़कर समझने की कोशिश करोगे। अगर आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझ में आ रही है कोई लाइन, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।